दोस्तों आज मैं आपको हंटर 350 का लेटेस्ट मॉडल दिखाऊंगा 2024 का और नया कलर आपको दिखाऊंगा। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं आप, ये वाइट कलर आपको नया लग रहा है, पुराना कलर में 2024 मॉडल क्यों बता रहे हैं? सही सही बताइए ना, मतलब नया देखना है। आओ आओ इधर आओ, ये देखो ये क्या है, ये है बिल्कुल नया कलर, ग्रीन कलर। अब आप कहोगे कि ये ग्रीन कलर कैसे बोलेंगे, इधर दिखाना ज़रा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है और रॉयल इनफील्ड डैपर ग्रीन कलर। ये बिल्कुल नई लेटेस्ट बाइक है 2024 की, हंटर 350 का नया मॉडल है। और इसमें क्या अपडेट हुई है 2024 में, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। बस बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक बन बाइमिंट राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों सबसे पहले आप इसको देखेंगे, ये है रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का मेट्रो मॉडल, ये टॉप मॉडल है। उधर आप कलर देख लें, ये सारे कलर पहले से आ रहे हैं लेकिन अब आया है नया एकदम बढ़िया ग्रीन कलर, जिसमें आप देखेंगे इधर प्योर लिखा है और इधर राइड लिखा है। इधर दिखाना भाई ज़रा, इधर लिखा है राइड। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये पार्टिकल इफेक्ट लिए हुए है, ये कलर दिखाना ज़रा यहाँ पर, ये इसमें जैसे ये थोड़ा सा पार्टिकल इफेक्ट है, जैसा मैंने आपको पल्सर वाले में दिखाया था। यहाँ पर लिखा है राइड और राइड में एच पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कलर बना हुआ है। रॉयल इनफील्ड इसमें ग्रीन से लिखा हुआ है, वो भी स्टिकर से है, लेकिन जब आप इस पर उंगलियाँ फेरेंगे तो आपको एहसास होगा, थोड़ा सा उभार का एहसास इसमें बिल्कुल हो जाएगा। तो ये है भाई बिल्कुल नया कलर, ग्रीन कलर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके साइड पैनल पर तो रॉयल इनफील्ड हंटर 350, लेकिन ग्रीन कलर की इसके भाई जो राउंड है, ये गोला है, ये ग्रीन कलर में है। बाकी हंटर 350 ये सब चीज़ें स्टिकर से लिखी हुई हैं और पूरा ब्लैक थीम है। पीछे अगर आप देखेंगे ये ग्लॉसी पेंट स्कीम है, क्योंकि अगर आप इधर देखेंगे, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ये मैट फिनिश इसकी पेंट स्कीम है, लेकिन ये बिल्कुल ग्लॉसी है, चमक रहा है। इस पर हाथ अगर आप फेरेंगे तो बिल्कुल ये चमक रहा है। यहाँ पर राउंड शेप में इसकी बैकलाइट मिल जाती है और यहाँ पर दिखाना भाई ज़रा, ये दिखाना 21 दिसंबर 2023 की बनी हुई मैं बाइक आपको दिखा रहा हूँ, वो भी 21:38 पर ये बनी हुई है। यहाँ पर दिखाना भाई ज़रा रॉयल इनफील्ड की ये डिज़ाइन आप देख लें पेट्रोल टैंक से। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है, सिंगल सीट मिलती है, स्प्लिट ग्रैब रेल मिलते हैं। लेफ्ट साइड आ जाओ भाई ज़रा। अब यहाँ पर आप देखें और बताएं मुझे कि ये बाइक आपको लुक में देखने में कैसी लग रही है। देखिए हंटर का मतलब होता है शिकारी, तो इससे कंपनी या ये बाइक किन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, शिकार करती है, जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं या फिर जिनका बजट कम होता है। अब कैसे, ये बाइक 2024 में चावला राइडर्स अयोध्या उत्तर प्रदेश में मात्र 1,99,000, मतलब 1,99,000 की ऑन रोड प्राइस में आपको मिल जाएगी। और भाई जैसे जो ये इंजन आप देख रहे हैं, जैसे जो इंजन आपको इसमें मिलता है क्लासिक में मिलता है वही इंजन है, बट इस बाइक का वजन कम है, वजन कम है, जैसे कि 177 किलोग्राम इस बाइक का टोटल वजन है। अब 20.2 HP की पावर है, 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है इस बाइक में। तो जब 199 किलोग्राम और 177 किलोग्राम में जब ये बाइक का वजन कम है तो ये बिल्कुल पिकअप बहुत भयानक देगी। अब थोड़ा सा और इसको फ्रंट से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन भाई इसकी चाबी दिलवाना, चाबी। अब यहाँ पर अगर आप इसकी हेडलाइट देखेंगे तो इसमें आपको हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको पायलट हेडलैम्प मिल जाते हैं और ये रेंडर कंपनी की हेडलाइट है, आपको यहाँ पर देखना है। और इसके अलावा इसमें छोटा सा मडगार्ड मिलता है, बट ये फाइबर का मडगार्ड मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो सॉकर के बूट हैं वो लगाए गए हैं। 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर और टायर दिखाना भाई ज़रा, कितने mm का है नीचे, 110, 70, 17 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि आप पैटर्न दिखाना इसका, जयपर टायर है ये, तो उसके हिसाब से इसका पैटर्न दिया गया है। कैसा लगा दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। और फ्रंट व्हील इसका ट्रैवल है 130 mm और आगे आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। लग गई भाई चाबी, ठीक है, 300 mm की डिस्क ब्रेक है। और देख लेता हूँ मैं, ड्यूल चैनल ABS है, ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिल जाता है। इधर आके दिखाना ज़रा भाई, यहाँ पर देखो भाई, ये 260 mm की डिस्क ब्रेक मुझे लग रही है, तो ये मैं लिख दूंगा। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इधर दिखाना ज़रा, ABS की प्लेट, इसमें ABS की प्लेट भी लगी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और टायर साइज अगर आप देखेंगे तो भाई MRF का नाइलो ग्रिप जयपर टायर है, मैं ज़रा यहाँ लिखा है 140, 70, 17 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसका पैटर्न दिखाना, ये MRF का नाइलो ग्रिप जयपर टायर है भाई,
और इसका पैटर्न आप देख रहे हैं। अब बारी आती है भाई इसके इस साउंड की। पहले मीटर दिखा देता हूँ, इधर दिखाना ज़रा मीटर। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये किल स्विच मिल जाती है, ये आपको हजार्ड लाइट की बटन मिल जाती है, यहाँ पर आपको ये पास की बटन मिल जाती है, और ये हाई बीम लो बीम, यहाँ पर आई बटन है मीटर को सेट करने के लिए, और यहाँ पर हॉर्न की बटन है। अब ज़रा इसको ऑन करने से पहले आपको चाबी दिखा देता हूँ, ये हंटर की चाबी है। और भैया ज़रा इसको ऑन करते हैं, ये देखिए लप से ऊपर गया फिर नीचे आया। और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिप एफ एम पी एम सब बताएगी, इको गियर पोजीशन इंडिकेटर फ्यूल मीटर सब इसी में आपको मिल जाता है। नीचे आपको बहुत सारी लाइटें मिलती हैं जैसे चेक इंजन लाइट, एबीएस, लो बैटरी लो फ्यूल की आपको इसमें वार्निंग मिल जाती है। और यहाँ से जब इस बटन को दबाएंगे तो ये देखिए ओडोमीटर आ चुका है, नज़दीक से दिखाओ। यहाँ पर आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और यहाँ पर ओडोमीटर, इतनी सारी सुविधाएँ आपको इस बाइक में मिल जाती हैं। अब ज़रा इसके साउंड की बारी आती है, इसको स्टार्ट कर दें। जब गियर में रहेगी तो कैसे स्टार्ट होगी। अब न्यूट्रल हो चुकी है, अब इसमें साइलेंसर छोटा है, ज़रा इधर दिखाना। इसमें ये पूरी जगह खाली रखी गई है, ये वाली पूरी जगह खाली रखी गई है और साइलेंसर छोटा है, और आवाज़ आप सुन ही रहे हैं कि कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है और किक नहीं आती है। इंजन वही है जो पहले आ रहा है, इंजन में कोई। और इसके ब्रेक पैडल का सिस्टम आप देख सकते हैं इस पर, जिससे आपके पैर स्लिप ना हो, यहाँ पर इसको ऐसा बनाया गया है। अब एक बार फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ, फ्रंट से दिखाना। हजार्ड दिखा देना, हजार्ड फ्रंट से। तो आपने हजार्ड इसका देख लिया, हजार्ड लाइट के साथ कैसी लग रही है आप लोग अपनी राय जरूर दें। प्राइस मैंने आपको बताई 1,99,000 की ये बाइक आपको मिल जाएगी, और माइलेज मिलेगी लगभग 30 से 40 के बीच में मिलेगी, 30-35 के आसपास आपको मिल जाएगी इसकी माइलेज। और जैसे ये फाइनेंस भी हो जाती है, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा वैसे ही रहेगी। और बाकी ये इसके कलर आप यहाँ पर देख लें, उधर दिखा देना ज़रा रेड कलर, ऐसे ही दिखा दो, रेड कलर है। और बहुत सारे कलर इसके मैंने आपको दिखा दिए हैं, इसके जो कलर की वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब उसमें एक कलर और जुड़ गया है जो कि है हंटर 350 का डैपर ग्रीन कलर। अब इस नई 2024 मॉडल हंटर 350 की सीट हाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। राहुल भाई बैठना ज़रा। 800 mm सीट हाइट है इस बाइक की, 150 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है, 1370 mm व्हील बेस है, 177 किलोग्राम इसका वजन है, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया। अब भाई ज़रा 800 mm सीट हाइट है, इनकी हाइट है लगभग 5.8 इंच, तो कैसी है, पैर वैर पहुँच रहे हैं हैं कैसे? अच्छे से पैर। अच्छा अच्छा, एड़ियाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हैंडल पकड़ो। अब आप देख सकते हैं कैसी लग रही है, और ये आगे और पीछे से। बाकी जैसे इंजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे देता हूँ। 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इसमें आपको इंजन मिल जाता है, जिसमें 20.2 एचपी की पावर मिलती है, 6100 आरपीएम पर 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, 4000 आरपीएम पर 5 गियर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और इस बाइक की प्राइस अयोध्या उत्तर प्रदेश में 1,99,000 रुपये है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। और बाकी ये सभी बाइकें चावला राइडर्स पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।